यदि कार्मिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात की जाए तो जितनी भी कार्मिक अभिक्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से चार भागों में बांटी जा सकती है। सबसे पहले आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरे नंबर पर एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रियाएं, और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो चलिए देखते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वे रिएक्शंस हैं जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कोई एक एटम या पूरा ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम मीथेन की क्लोरीन के साथ अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन का हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाता है यानी सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि ये मीथेन है हमारा और इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, यूवी लाइट है हमारे पास। तो इस हाइड्रोजन का, यदि मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखूं तो इस हाइड्रोजन का एक सीएल से सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो क्या बनेगा? मैथिल क्लोराइड। यहाँ पर क्या बनता है? मैथिल क्लोराइड। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी एक एटम या ग्रुप का किसी दूसरे एटम या ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम लेते हैं इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड की जब हम NaOH एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो क्लोराइड ग्रुप है इसका रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है? OH ग्रुप से हो जाता है और हमें यहाँ क्लोराइड की जगह एल्कोहल मिलता है, यानी अब क्या बनेगा? CH3। और NaCl बन जाता है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ उदाहरण थे। अब हम बात करते हैं युगात्मक अभिक्रियाओं की यानी एडिशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो कार्बनिक यौगिक और जो हमारा अभिकर्मक है वो आपस में मिलकर एक ही यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें जरूरी होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें या तो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक है वो कैसा होना चाहिए? असंतृप्त, अनसेचुरेटेड होना चाहिए। अनसेचुरेटेड होने के कारण उसमें पाई बॉन्ड होगा और हम जानते हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देने से वो टूट जाता है और टूटने से कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है जिस पर दूसरा मॉलिक्यूल आकर उस पर जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो उदाहरण के लिए एडिशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास एल्कीन है और इस एल्कीन पर यदि हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इन्हीं कार्बन पर ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 1,2-डाइब्रोमोइथेन मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एल्डिहाइड की जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होती है तो हमें साइनोहाइड्रिन मिलता है। ये भी एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम लेके चलते हैं एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CO CHCHO। और इस पर जब HCN की रिएक्शन होती है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पाई बॉन्ड ये है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और क्या हो जाएगा? दोनों पर ये HCN का भी सिग्मा बॉन्ड टूटेगा
और एक पर एच चला जाएगा और दूसरी पर सी एन चला जाएगा, तो CH3CHO। अब ओ पर कौन सा पार्ट जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इस तरीके से शिफ्ट होता है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन साइनाइड के बीच का बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि एच पर पॉजिटिव चार्ज और सी एन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एच चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और सी एन चला जाएगा कार्बन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा ओ एच और यहाँ बन जाएगा सी एन। तो एसिटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड और अटैकिंग रिएजेंट आपस में मिलकर एक ही कंपाउंड का निर्माण करते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब तीसरे प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बन से जुड़े हुए एटम या ग्रुप निकल जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के जस्ट उल्टी रिएक्शंस हैं, रिवर्स रिएक्शन है। इसमें सिग्मा बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है, सेचुरेटेड कंपाउंड है, उससे अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जबकि एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो दूसरे रिएजेंट से मिलकर सेचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यदि हम देखें तो 1,2-डाइब्रोमोइथेन की जब रिएक्शन जिंक से कराते हैं, किसकी, 1,2-डाइब्रोमोइथेन, यानी कि इसकी रिएक्शन जब जिंक से कराई जाती है और इसे गर्म किया जाता है, तो ये जिंक क्या करता है, ये दोनों Br को ले लेता है, यानी ये दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और ये दो सिग्मा बॉन्ड टूटे तो कार्बन, दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती है जो आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेती है। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच फिर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड तो पहले से था ही, और Br निकलने से एक और बॉन्ड आया, तो ये बन गया हमारा एथीन, और साथ में यहाँ पर बना ZnBr2। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो कंपाउंड है उससे कोई ग्रुप या उससे जुड़ा हुआ एटम पूरी रिएक्शन के दौरान विलोपित हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही जो मॉलिक्यूल है उसके कुछ एटम या ग्रुप के बीच अपना जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो जाता है। यानी कि जब कार्बनिक यौगिक के अणु में परमाणु या समूह अपना स्थान परिवर्तित कर एक नए प्रकार का यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन यानी पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहते हैं। और वास्तव में बनने वाला जो नया यौगिक होता है वो पुराने यानी कि जो पेरेंट कंपाउंड था उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अमोनियम साइनेट, तो जो अमोनियम साइनेट है उसका फॉर्मूला होता है NH4CNO। जब इसको गर्म किया जाता है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही ये जो डिफरेंट एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि हमको एक नया कंपाउंड मिलता है, यूरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई एटम ना तो बाहर निकला ना बाहर से कोई एटम आया, बल्कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ही ये जो डिफरेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे इन्होंने अपना स्थान परिवर्तित किया और एक नए प्रकार का यौगिक बनाया। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखें कि नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि CH3, CH2, CH2,
CH3 यानी कि जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है उसे जब AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, आप क्या कर रहे हैं इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है और बनता है आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पर ये नॉर्मल चेन थी और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ब्रांच आ जाएगी और यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है, बस क्या हुआ अरेंज ये डिफरेंट तरीके से हो गए, तो यहाँ पर आपको मिला आइसोब्यूटेन। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ रीअरेंजमेंट होता है उन्हें हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं।